गुरुवार की शाम छठ पर्व के पहले अर्घ के दौरान जिले के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था और विश्वास की अटूट मिसाल देने को मिली। छठ पर्व के दौरान सभी गली मोहल्ले में तरह तरह की लाइटिंग में सजावट की गई। हर एक चौराहा छठ के पावन गीतों से गुंजायमान हो गया। बिहार से शुरू हुए छठ पर्व को अब संपूर्ण भारत वर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पुत्र प्राप्ति एवं सुहागिन अपने सुहाग की सलामती व लंबी आयु के लिए छठ पर्व का पालन करती है। इस पर्व का आयोजन 4 दिवसीय होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ देना, तो चौथे और अंतिम दिन उगते सूरज को अर्घ देना रहता है। रिसणा नगर पालिका के 11 घाटों पर तकरीबन 3 लाख से अधिक छठ श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया। इस अवसर पर जगह जगह छठ यात्रियों के सुविधा के लिए कैंप लगाए गए। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। घाटों पर बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए नगर पालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा ने बोट की मदद से सभी घाटों का जायजा लिया। इसके साथ ही यात्रियों को श्रद्धा और शांति से पर्व मनाने की हिदायत भी दी। घाट पर लाइफ जैकेट, लाइफ मेडिकल कैंप के साथ बड़ी संख्या में छोटी नाव और गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई। किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए नगर पालिका तत्पर रही। इस दौरान नगर पालिका के तमाम पार्षद भी उपस्थित रहे। नगर पालिका की तरफ से प्रत्येक घाट पे साफ सफाई, सफिशियंट लाइट की व्यवस्था, इससे जो भी हमारे किसरा नगर पालिका के तमाम बोर्ड ऑफ काउंसिलर की तरफ से हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जिनके अनुप्रेरणा से हम लोग बंगाल जो है एक शीर्ष स्थान पे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हम लोग उनके निर्देश के मुताबिक हम लोग प्रत्येक घाट पे सफाई, बिजली, पेयजल, सीसीटीवी और जितने भी जिसे हमारे छठ पूजा में जितने भी माँ और बहनें जितनी छठ माँ की इस शुभ अवसर पे जो लोग श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह का सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर के तैराकी से लेकर के मेडिकल टीम से सारी व्यवस्था नगर पालिका जो है की तरफ से हम लोग किए हैं। हम लोगों के रिसणा में कम से कम 50,000 लोग होंगे जो लोग छठ माँ की पूजा में शरीक होते हैं। हम कोर्ट में हम लोग रिसणा म्यूनिसिपल का जो ज्यूरिडिक्शन है पूरे ज्यूरिडिक्शन में हम लोग जितने भी काउंसिलर हैं तमाम काउंसिलर वाइस चेयरमैन से लेकर के चेयरमैन परिषद से सदस्य से लेकर के सारे काउंसिलर जो है निगरानी रख रहे हैं कि जो भी माँ बहनें और नौ हमारे नवयुवक साथी जो लोग छठ पूजा में शरीक हो रहे हैं उनको किसी भी तरह से गंगा में जो है हम लोग माइकिंग के द्वारा उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो अंदर ना जाए और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था म्यूनिसिपल की तरफ से निगरानी रख करके की जा रही है।